इस वीडियो में जानेंगे WHO से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है, WHO की स्थापना कब हुई थी? ए 7 अप्रैल 1949, बी 7 अप्रैल 1948, सी 10 अप्रैल 1950, डी 10 अप्रैल 1955। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, WHO की स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रोम, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी मनीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो रोम, ये इटली में स्थित है। यहाँ FAO का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ WHO का मुख्यालय है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यहाँ यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। मनीला, ये फिलीपींस में स्थित है। यहाँ ADB का मुख्यालय है। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई? ए एड्स, बी TB, सी मलेरिया, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सबसे पहले GFATM का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। तो GFATM का फुल फॉर्म होता है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। एड्स TB और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड दिया जाता है इसके रोकथाम और उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम है? ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिज्म, सी वेल हेल्थ ऑर्गेनिज्म, डी वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2005 में, डी 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2002 ईस्वी में। GFATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? ए डॉक्टर चिस्लोम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मीरा कुमार, डी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर चिस्लोम। तो डॉक्टर चिस्लोम WHO के प्रथम महानिदेशक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। रजिया सुल्तान ये प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के कितने सदस्य देश हैं? ए 194, बी 196, सी 198, डी 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 194। WHO के कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के महानिदेशक कौन है? ए डॉक्टर टेड्रोस,
बी डॉक्टर चिशलोम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टेड्रोस। WHO के महानिदेशक हैं वर्तमान में कौन? तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर चिशलोम ये प्रथम महानिदेशक थे WHO के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, बी वर्क फॉर पीपल, सी क्वालिटी फॉर ह्यूमन, डी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम यानी कि विषय क्या था? तो वो था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की महिला है? ए राजकुमारी अमृता कौर, बी किरण बेदी, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृता कौर। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की महिला कौन है? तो वो है राजकुमारी अमृता कौर। किरण बेदी ये प्रथम महिला IPS थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सरोजनी नायडू ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।